What's up, guys? What's up? मैं फेक कर रही हूँ थोड़ी एनर्जी क्योंकि अंदर से मेरी बहुत फट रही है. Very historic moment of my life where I'm gonna do something really crazy at this point जहाँ पे मेरा जो ये दांत है ये मिल्क टूथ है. इसके पीछे एक परमानेंट टूथ है बहुत साल से, बट हमको पता नहीं था कि वो निकालना चाहिए या नहीं. और अभी वो हिलने लग गया है बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली. पहले इतना नहीं हिलता था जितना अभी हिल रहा है, और यहाँ पे गैप बढ़ रहा है मेरे दो दांत के बीच में. मुझे ऐसा बार बार दिखाने को थोड़ा शर्म आ रहा है. ऐसे अजीबो गरीब चीजें सब मेरे साथ क्यों होती है? आई एम मैड शेशे, आई एम मैड. आउच, मैंने रिसेंटली अपना ईयर भी पियर्स कराया. मैं पता नहीं ये वीडियो में दिखेगा नहीं, दिख रहा है तो वो थोड़ा दुख रहा है. But anyway, I am going to start with my journey of applying braces. One of the reasons मैं इतनी जल्दी ये कर रही हूँ क्योंकि अगर थोड़े महीने में ये दांत गिर गया और कुछ हो गया इसको तो दिसंबर में मेरे भाई का शादी है जिसमें मुझे प्रिंसेस की तरह दिखना है, और मैं अपने प्रिंसेस लुक को ब्रेसेस के साथ इमेजिन नहीं कर सकती. ऐसा मैं जब भी इमेजिन करती हूँ खुद को कि मैं अपने भाई की शादी में ब्रेसेस पहन के खड़ी हूँ तो मैं ट्रॉमेटाइज हो जाती हूँ 25 सेकंड के लिए, और फिर मैं नॉर्मल लाइफ में आ जाती हूँ रिटर्न. और मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं दिसंबर से पहले ये लाइक आई जस्ट वांट गेट डन विद दिस शिट. मेरी फटरी है कल. काश मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स के लिए भी ऐसा कुछ होता कि मैं ब्रेसेस लगा दूं और मेरे सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स भी ठीक हो जाए, बट इतना अच्छा नसीब तो है नहीं अपना. तो अभी दांत के ब्रेसेस से काम चला लेना पड़ेगा. मैं डेंटिस्ट के वहां पे वीडियो नहीं लेने वाली क्योंकि मुझे शर्म आएगा. जब दांत निकलेगा तब मैं अपना लुक दिखाऊंगी, मैं कैसी दिखूंगी यहाँ पे बिना दांत के ऐसे करके. मुझे हंसने भी आ रहा है और मुझे रोना भी आ रहा है. लेट्स गो. यार मैं एमआईएम कर रही हूँ तो भी मेरा शक्ल एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे हो गया. दिस इज वियर्ड. पेन नहीं हो रहा बट थोड़ा डिसकंफर्ट है. इफ यू सी देयर इज अ टूथ बिहाइंड अ हेयर, दिस फील लाइक रबर बैंड. समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ये पार्ट पकड़ा है मेरे लिप्स का. क्या टाइम पास कर रही हूँ यार. आई मैड व्हाई गेट सो डिस्ट्रैक्टेड स्टूपिड बिच. आई फाइंड दिस टूथ इज गोना कम अहेड एंड देन वी आर गोना हैव अ प्रॉपर स्माइल, नॉट द वन लाइक दिस. इधर एक दांत दिखेगा इन सम टाइम. Anyway, I'm gonna sleep now. और अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज दूंगी, और मुझे पता है कि वो लोग बहुत वल्गर कमेंट्स पास करेंगे जिसके लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ बिकॉज़ आई नो माय फ्रेंड्स रियली वेल. बाय. गायब ये भाई, वो एक दांत इतना गायब अगर ये इतना बड़ा की दिख रहा है वो वैम्पायर लग रही है. अरे नहीं मेरे को अभी भी लिटर ही आई नीचे का थोड़ा नीचे. मुझे एक्चुअली सबको सरप्राइज देना था, उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना था, बट मेरे मुंह से निकल गया कि मैं ब्रेसेस लगा रही हूँ, और ये था मेरे दोस्तों का रिएक्शन. मैंने बोला फाइनली तेरा शक्ल अच्छा हुआ और देखो फिर बुड्ढे शेट्टी से शादी करने का. शेट्टी क्या होता है? कैसी लग रही हूँ मैं जॉइन? मुँह से बात आना कम हो जाएगा. खुद चार चार दिन नहाता नहीं है वो चलता है. एक टाइम मजबूरी थी, अब अभी भी वही टाइम चल रहा है. जब भी किसी के बाजू में बैठता है वो इंसान बाजू से उठ जाता है. उठना है देखो रक्षित यार. प्यार में ये सब देखते नहीं है, मां सारे मुझसे बात करे ऐसे कुछ नहीं. क्या तू देखेगा प्यार में कि किसी को? मेरा पहला प्रेफरेंस वही है, बॉडी ऑर्डर नीचे. मेरे को ऐसा कुछ नहीं, मेरे को बस बॉडी है नीचे. तू खुद ही इतना बासी है कि सामने वाले का बास तेरे बास में कवर हो जाता है. रक्षित तेरे लिए प्रेफरेंस है कि नहीं? बड़ी हेयर ना पैर पे ना मुझे कैंसिल हो जाएगा YouTube चैनल पे एक्टिव होने से पहले. रियल ओके शरीर पे. ओह गॉड गाइस ही इज नॉट लाइक दिस. पैर पे ऐसा देख के लगना चाहिए कि बहन जो शाइन हो रहा है, पैर शाइन ऐसे लगते तेल लगा के चल रहा है. खुद का पैर दिखा. ऐसा नहीं लगा तो पेट दिखा. ऐसा खुद इतना हेवी है. एक्सपोज करना बंद कर, लड़के लोग का चलता है. बट सोसाइटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से लड़के लोग का छोड़ दो. ओह वो बता ठीक है, मतलब नहीं इतना प्रोमिनेंटली दिख रहा है. हां नहीं 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 समझ में आएगा एक्चुअली. नहीं वो नो, क्योंकि साइड में है तो नहीं है. तू उधर देख. हां
तू साइड में देखे तो फुल ऐसा खिड़की दिख रहा था, वो मैं नहीं मुक्का मार के थोड़ा दे रहा था। It's the big day, guys. It's the big day. तो बहुत सारा क्राउड आया है यहाँ पे मेरे बिग डे के लिए। As you can see, that's my brother's fiance. हम भी रश्मि को कैमरा के सामने ऑफर लग रहे हैं। बोल उसको, जोर से बोलो रश्मि, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, जोर से बोल। मैंने अभी अभी महाभारत खत्म किया है समझा, तुम लोग चिंदी नहीं। लेकिन तेरा एक गलत क्या है मन में, तू कभी हम लोग बोलेगा तो कभी नहीं करते, तू तेरे को मन हुआ तो ही करती है, थोड़ा भी दूसरे का सुनने का आदत नहीं है। मम्मी टाइम नहीं लेक्चर देने का, ये टाइम नहीं, बाद में 6 बजे के बाद देने का लेक्चर। क्यों? 6 से 9 है मेरा लेक्चर सुनने का टाइमिंग। नहीं अच्छा था। मेरे दो मीन दोस्तों का रिएक्शन रिकॉर्ड करने जा रही हूँ मैं गाइस। शरारा किधर है, किधर ये क्या है? अरे मैं व्लॉग ले रही हूँ। ये क्या? अरे वो छोड़, ये क्या, ये क्या? बता तो सही, मस्त लग रही है रे। सामने आना जरा, वो फ्लैश दिख नहीं रहा। अरे अच्छा दिख रहा है, इतना प्रॉब्लम नहीं, अच्छा मस्त लग रही है रे। ठीक है, मुझे हंस सकते है, मैंने इतना स्वीट रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। अच्छा दिख कर रहे है क्योंकि थोड़ा टाइम लग रहा है एडजस्ट होने में। अच्छा दिख रहा है, क्यों देख अब मैं उस शख्स का शक्ल दिखाने वाली हूँ जिसकी वजह से मैंने इनिशिएटिव लिया। मैं इसको बोला दिखा तो सही, इटली में ब्लैंक था कि मेरे को पता ही नहीं था कि तू वीडियो ऑन करके क्यों आ रही है। तू पहले शरीर से बच्ची दिखती थी, अभी शक्ल से भी लगती है। ये पर वो वाला दांत का किधर है? तूने सॉरी सॉरी, और ये क्या बात है मेरे, अरे थैंक यू, मैं ब्रेसेस लगा के आई हूं करके मुझे गिफ्ट दे रहे हैं लोग। गाइस डायलॉग मिस किया यार, नहीं मैंने सुना, मैंने बोला पहले शरीर से भी बच्ची लगती थी, अभी शक्ल से भी लगती है। जिनको भी मेरी शक्ल पे ब्रेसेस अच्छा नहीं लगा इसको डीएम करके गालियां देना बिंदास, क्योंकि यही है वो लड़का जिसने मेरे अंदर ब्रेसेस लगाने का कीड़ा डाला था 5-6 साल पहले। ये और इसकी माँ, ये लोग ने साजिश रचा है मेरे अगेंस्ट। इन्होंने बोल बोल के मेरा दांत हिला दिया। हाँ प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे एक्चुअली जरूरत था क्या ब्रेसेस का, मैं तो प्लास्टिक सर्जरी की सजेस्ट करूंगा। अरे मेरा बाप थोड़ी है डेंटिस्ट जो सिर्फ एक जगह पे ब्रेसेस लगाएगा। इधर देख, ओ पावडी, आ जा अच्छा लग रहा है। It's okay, रंजीत तू सच बोल सकते है। स्कूल की लग रही है, स्कूल में करते है। तेरे दांत ने तुझे ना ज़ूम किया था क्या, जो because it is behind bars. teeth and 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 teeth। दर्द नहीं होता है? नहीं देखो, दर्द सबको होता है, गला सबका सूखता है। ये तो भी हुआ, हम कॉन्डोम यूज़ करते हैं। हां देखो तेरा मीटिंग है रे, क्या ये कब ना, ये घंटे फुट गई। हां